आपका माइंड जम जैसा कि शैक्षिक उद्देश्यों में सामाजिक सार्थकता का वर्णन कीजिए, तो मतलब शैक्षिक उद्देश्यों में सामाज की सार्थकता क्या है, मतलब समाज की क्या भूमिका रहती है, कि कैसे कैसे लोग समाज में रहते हैं, उसके बाद शैक्षिक शिक्षा ग्रहण करके कैसे कैसे समाज में अपनी अलग भूमिका वगैरह सब बनाते हैं, तो जो कि यहाँ पे दिया गया तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ये बालक है, ये नॉलेज वगैरह ले लेगा, धीरे धीरे जब ये नॉलेज लेके बढ़ेगा ऊपर और विकास करेगा तो फिर ये समाज में कुछ बन जाएगा, तो इससे अलग उसकी भूमिका हो जाएगी। उसके बाद ये सब जो कि मतलब सच्ची को जो सामाजिक सार्थकता का वर्णन, तो धीरे धीरे इन सब बातों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे किताबी लैंग्वेज में दिया गया। सच्ची को उद्देश्य लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए, किंतु इससे भी उनकी सामाजिक सार्थकता सिद्ध नहीं होती। परंपरागत एवं स्थित समाज में शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान मूल्यों को परिलक्षित करने के साथ साथ भविष्य को के लिए भी वैध हो सकता है, किंतु परिवर्तनशील समाज में पूर्व निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों का वर्तमान समय में सार्थक होना आवश्यक नहीं होता, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो उसी को हम डिस्कस करें। रही बात तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ऐसे वैसे हो सकती है, रही बात तो मोटी वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगी। हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी आवश्यकता पूर्ति करने के प्रयास कर रही है जो वास्तव में वर्तमान समय में विद्यमान ही नहीं है, और कुछ अन्य नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई हों जिसकी पूर्ति शिक्षा के द्वारा नहीं हो पा रही है। अतः यह आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की वर्तमान सार्थकता के साथ उसमें भावी आवश्यकताओं की पूर्वाभास का भी समावेश किया जाता रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया। तो बने रहिए माई इंडिया के साथ। हम धीरे धीरे पूरी श्रृंखला आपके साथ खत्म कर दें, इसके बाद पाठ्यक्रम के सतत संशोधन एवं संवर्धन के द्वारा बालकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे ज्ञान की समयानुकूलता के बारे में आश्वासन हो तो हुआ हुआ जा सकता है, किंतु इसका ये पर्याप्त नहीं है कि वर्तमान समाज में परिवर्तन की गति इतनी अधिक तीव्र है कि दो पीढ़ियों में तो बहुत अधिक अंतर आ जाती है। एक ही पीढ़ी के विभिन्न चरणों में कोई नवीन परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह शिक्षा जो वर्तमान शिक्षक को तैयार करने का साधन थी, अब संभवतः उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बालकों के लिए प्रभावी नहीं हो पा रही है। तो वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए ये वीडियो में ही रोक रहे हैं।